हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है बैंकों को मर्ज करने को लेकर। कंटेक्स्ट ये है कि एपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि बैंकों को मर्ज हो क्या जाए, तो स्टेट के द्वारा जो ओनरशिप है कुछ बैंकों की, उनको गवर्नमेंट को मर्ज करने का प्लान है। देखो, बेसिकली हम बात करें तो गवर्नमेंट है वो 2017 में प्लान लेके आई थी कि बैंकों को मर्ज करना है। इसके तहत गवर्नमेंट ने एसबीआई बैंक है और उसके जो एसोसिएट बैंक थे 6, उनको मर्ज करके एक बड़ा एसबीआई बैंक है वो बनाया था। और अभी गवर्नमेंट और भी बैंकों को मर्ज करना चाह रही है, तो उसको लेके अभी एक तरीके से ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है। कौन कौन से बैंक है एक बार हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का प्लान है हुआ है, एक तो देना बैंक है, एक विजया बैंक है और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीनों बैंक है, ये है स्टेट ओन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इन बैंकों को गवर्नमेंट है वो मर्ज करना चाह रही है। तो हमारे लिए एक तो ये फैक्ट बन जाता है इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से बैंक है वो रिसेंटली मर्ज हुए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही एक बात क्या है कि जरूरत क्यों है कि इनमें बैंकों को मर्ज करने की, फायदे क्या होंगे इसके। देखो, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा तो इंडिया में तीसरे नंबर के लार्जेस्ट बैंक बन जाएंगे ये तीनों बैंक को मर्ज करने के बाद जो बैंक बनेगा। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अभी इंडिया के कौन से दो ऐसे बड़े बैंक हैं, एक तो हो गया जिसमें एसबीआई है, दूसरा आपको बताना है एचडीएफसी है या आईसीआईसी है। इन दो, दूसरा शायद मेरे अकॉर्डिंग एचडीएफसी होना चाहिए, वो तीसरा शायद आईसीआईसी होना चाहिए। तो इस तरीके से तीन बैंक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन कौन से इंडिया के लार्जेस्ट बैंक है फिलहाल। तो देखो, बड़े बैंक बनाने के फायदे क्या होंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और बैंकों को मर्ज करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हुए चलेंगे। तो गवर्नमेंट देखो अभी तो यही चाह रही है कि अगर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा तो पब्लिक सेक्टर का तीसरा लार्जेस्ट बैंक है वो बन जाएंगे बैंकों को मर्ज करने के बाद। अब प्रोसीजर क्या है थोड़ा वो देखते हैं। तो देखो, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो जो जैसे कि तीनों बैंक है तो इनके जो बोर्ड है, बैंकों बोर्ड डिपार्टमेंट्स है, इनके पास जाएगी और ये रिक्वेस्ट, और इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि मर्ज करना है नहीं करना। अगर वो अप्रूवल दे देंगे तो इन तीनों बैंकों का मर्जर है वो किया जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगस्त 2017 में गवर्नमेंट ये प्लान लेके आई थी कि भाई बैंकों को मर्ज किया जाए और एक बड़ा बैंक बनाया जाए ताकि उसकी वैल्यू भी बन सके और एक ब्रांड भी बन जाए और इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको भी वो फुलफिल कर सके और एक कॉम्पिटिशन का माहौल है वो बन सके। अब देखो, बड़े बैंक बनाने के फायदे क्या हो जाएंगे वो देखते हैं। फायदे, सबसे बड़ी बात एक तो है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाएगी। जैसे देखो, बैंक को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, ये मान लो कि दिल्ली में जैसे कि कनॉट प्लेस है, वहां पे विजय बैंक की भी ब्रांच है, देना बैंक की भी ब्रांच है और बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है। अगर तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया मतलब तीनों बैंक एक ही हो गए, तो मतलब वहां पे तीन ब्रांचों की जरूरत नहीं है, दो ब्रांचों से काम चल सकता है, तो दो से काम चल जाएगा। ये एक ब्रांच ही इनफ है क्योंकि बैंक एक ही है तो अलग अलग ब्रांचों की जरूरत ही नहीं है। तो इससे हुआ क्या, हमें कम जो बैंकों का खर्चा वो कम हो जाएगा, मेंटेनेंस वगैरह इन सब चीजों का। तो कहीं ना कहीं एक तो बैंकों का जो कॉस्ट है, उनकी लागत है, वो कम हो जाएगी। इसके बाद में बात करें, लोन की कैपेसिटी बढ़ेगी। लोन की कैपेसिटी इस प्रकार बढ़ेगी, देखो अगर बैंक बड़ा हो जाएगा तो उसके पास जो उसकी एसेट होगी या फिर उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो बड़ी होगी, बहुत बड़ी अमाउंट होगी, तो वो बड़े लोन भी दे सकते हैं। क्योंकि बैंक के पास ही फिक्स होता है कि भाई जितनी उसकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम इतने से इतना बड़ा ही लोन है वो दे सकता है। और जैसा हम जानते हैं कि बैंकों की जो इनकम है वो लोन से ही उनको मिलती है, और जो कॉर्पोरेट लोन देते हैं उन्हीं से बेसिकली उनको इनकम होती है, और फिर जो कस्टमर्स होते हैं उनके जो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उनको कुछ इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ अपना रख लेते हैं। ये बेसिकली बैंकों की जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी हमने देखी। अब आपको जानते हो कि अगर बैंक है वो बड़ा लोन देगा, इसका मतलब उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो कस्टमर को भी थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट देगा। अगर कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट या प्रॉफिट देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा कस्टमर उस बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक और ज्यादा बड़ा होगा और कस्टमर का भी भरोसा एक तरीके से बना रहेगा, तो काफी कुछ बेनिफिट बैंकों को मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं, उनको फुलफिल है वो किया जाएगा। चौथा पॉइंट हम बात करें वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि देखो, दूर दराज के एरियो में बैंक है वो बना दिया जाएगा। जैसे आज क्या हो रखा है, एसबीआई बैंक है वो इंडिया के लगभग हर कोने में ब्रांच उसकी बनी हुई है। क्यों, क्योंकि एसबीआई के जो 6 एसोसिएट बैंक थे उनको भी मर्ज कर दिया। अब वो एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक थे, जहां जहां उनकी ब्रांच थी वहां भी एसबीआई हो गया, और कुछ एरिया में जहां बैंक नहीं है वहां पे भी नई नई ब्रांचें खोली जा रही है, तो इससे एक कवरेज एरिया वो बढ़ जाएगा। इसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन में फायदा होगा। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या था,
गवर्नमेंट लेके आई थी जनधन आधार मोबाइल, उनमें भी काफी बेनिफिट मिलेगा, लोग ज्यादा बैंकों में अकाउंट नहीं खुलेंगे। अब लोगों को लगेगा कि हाँ यार एक ही बड़ा बैंक है, इसी में अकाउंट खुलवाते हैं, क्यों बार बार अलग अलग अकाउंट है वो खुलवाएं। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बढ़ोतरी है होगी, इसके साथ ही बैंकों की स्टैंडर्ड्स हैं, रेटिंग है, वो भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और जो इंटर बैंक के एक्सचेंज या इंटर बैंकों के बीच में जो लेन देन होता है वो कम होगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, बैंकों को भी अपनी बैलेंस शीट वगैरह को मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। अब बैंकों की बार सिर्फ अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी है तो इधर उधर बैंकों से भी अपना साठ काट लेते हैं कि हाँ भी हमें एक दो दिन के लिए उधारी से, एक दो दिन की लोन वगैरह चाहिए। तो अगर बैंक बहुत बड़ा होगा तो उसको उधारी इधर उधर से कम लेनी पड़ेगी, तो आपस में जो कागजी कार्रवाई है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो सॉरी जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि दो बैंक अगर मर्ज हो जाएंगे तो एक सॉरी तीनों बैंक अगर मर्ज हो रहे हैं तो एक बड़ा बैंक बनेगा, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट है, जो मैनेजमेंट की पोस्ट है वो कम हो जाएंगी, और उनकी जो आप बोल सकते हो कि सैलरी है वो भी कम होगी, तो काफी बेनिफिट हो जाएगा। इससे बैंकों का क्या है, जो लागत है वो कम हो जाएगी, तो काफी बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। अब देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट तो एक हमने डायरेक्टली अभी यहाँ पे ये देखा कि पोस्ट है जो जॉब है वो कम हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जॉब लॉस है वो हो रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी जॉब क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही देखो आप ये देखिए एक बार इमेजिन करिए, ये तीन बैंक हैं, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। मान लीजिए कि देना बैंक अभी घाटे में चल रहा है, विजया बैंक ठीक ठाक में है, और बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। तो आप ये सोचिए कि देखो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी शेयर होल्डर हैं उनको तो भी प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। अगर ये तीनों बैंक मर्ज हो जाएंगे तो इसको जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसको थोड़ा बहुत घाटा तो देना बैंक वालों का मैनेज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भाई ये तो बैंक घाटे में चल रहा था, अब तीनों मर्ज हो गए तो इसको घाटा मैनेज करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कस्टमर थे या बैंक ऑफ बड़ौदा के जो शेयर होल्डर थे उनको नुकसान हो रहा है, जबकि देना वालों को प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके जो शेयर होल्डर उनको तो नुकसान हुआ ना, उनके मन में नेगेटिविटी आएगी और कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, तो ये एक तो गलत बात है। इसके बाद में जो घाटे वाले बैंक है ये एक्चुअली की बात है कि अपने जो इनकी प्रोसीजर होती है उसमें काफी कुछ खामियां होती हैं, उसको ठीक नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बड़े बैंक है या जो सही बैंक है उसको नुकसान हो जाएगा और वो काफी कुछ खामियां से भुगतना पड़ सकता है। तो ये कुछ काफी इस तरीके के नुकसान भी यहाँ पे देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे हमने, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी कुछ गाइडलाइंस और ड्राफ्ट है वो जारी किए गए हैं, तो देखते हैं क्या उस ड्राफ्ट में बातें की गई हैं। तो देखो पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके द्वारा ड्राफ्ट में जारी कुछ बातें इस प्रकार हैं कि भाई जो इंडिया में कूलिंग मेथड्स यूज हो रहे हैं, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसको एक तो इतना एडवांस बनाया जाए कि हमें कम इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े, मतलब कम खर्चा लगे और कम इंस्ट्रूमेंट में हम अच्छी क्वालिटी की जो कूलिंग मेथड्स हैं उनको डेवलप कर सकें। इसके लिए भी कुछ ड्राफ्ट वगैरह में गाइडलाइन जारी की गई है, और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा वर्ल्ड में पहली बार इस तरीके का प्लान लेके आ गया है जो कि कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए या फिर ठंडक है उसको नियंत्रण करने के लिए लाया गया है। इसका देखो मेन बात यही है, मेन मोटो इसका ये रखा गया है कि जो इंडिया में कूलिंग डिमांड है उसको रिड्यूस करना है, मतलब जो शीतलकों की डिमांड है, जो प्रकलन की डिमांड है, इनको कम किया जा सके। क्यों? क्योंकि इससे देखो काफी कुछ ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट सामने को देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये कुछ ड्राफ्ट वो तैयार किया गया है ताकि लोगों के रिव्यू लिए जाए और इसके बाद में पॉलिसी वगैरह बने जा सके। तो जो पर्यावरण और जो सामाजिक और जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उनको सिक्योर करने के लिए बेसिकली शीतलन और जो थर्मल जो रिलीफ है, जो कंफर्ट है, उनको प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली गाइडलाइंस है, ये ड्राफ्ट है वो जारी किया गया। तो ये हमने देखा क्यों, अब इसमें होगा क्या क्या, एक बार थोड़ा वो फैक्ट भी हम देख लेते हैं। देखो इसके कुछ गोल इस प्रकार रखे गए हैं इस एक्शन प्लान के कि एक तो जो कूलिंग डिमांड है इंडिया के अंदर उसको हमें 2037 से 38 के टाइम तक लगभग 20 से 25% तक कम करना है, मतलब अभी जो डिमांड चल रही है, करंट डिमांड है कूलिंग की, उसको हमें कम करना है। कम क्यों करना है, क्योंकि इससे काफी कुछ गैसों का एमिशन होता है और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी खराबदायक है या काफी नुकसानदायक है। इसके साथ ही एक ये रखा गया इसमें टारगेट कि देखो 2037 से 38 के टाइम तक हमें जो रेफ्रिजरेटर या जो कूलेंट होगी इनकी डिमांड को भी लगभग 25 से 30% तक कम है वो करना है। इसके साथ ही जो कूलिंग एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है उसको भी, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हमें यहाँ पे कम करनी है, कूलिंग एनर्जी की बात की जा रही है देखो यहाँ पे,
थर्डवर्ड फोकस करना आपको कि कूलिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें 25 से 40% तक कम करनी है 2037 से 38 के टाइम पीरियड तक। और इसी के साथ 1 लाख से ज्यादा जो सर्विंग सेक्टर के टेक्नीशियंस हैं या फिर आप बोल सकते हो मैकेनिक हैं उनको डेवलप करना है 2022 से 23 के बीच में स्किल इंडिया के तहत, और उनकी हेल्प से बेसिकली जो टारगेट रखे गए हैं जो गोल रखे गए हैं जिसके हेल्प से जो ठंडक की जो डिमांड है या फिर आप बोल सकते हो कि शीतलन की जो डिमांड है उसको कम किया जा सके। क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो एसी रेफ्रिजरेटर इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, अगर इस डिमांड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो काफी कुछ हमें फ्यूचर में खामियाजा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर, कंटेक्स्ट और जो न्यूज है वो देख लेते हैं। देखो जर्मनी है वो विश्व की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका निर्माण किया है। अब होगा क्या, हाइड्रोजन ट्रेन में क्या होगा कि हाइड्रोजन की बैटरियां उनका यूज किया जाएगा और जो ऑक्सीजन है उसको यूज किया जाएगा, तो उसकी हेल्प से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा या फिर बोलोगे जिसका एमिशन होगा, जिसको अभी रिसेंटली डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन होते हैं इनमें क्या होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इन ऐसी काफी खतरनाक गैसें होती हैं, इनका एमिशन होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं और कहीं ना कहीं कैल्शियम जैसी बीमारियों को भी जन्म है या देती हैं। और अगर वहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा तो जो धुआं निकल रहा था उसकी जगह निकलेगा पानी या फिर धुआं पे वो निकलेगी, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी नहीं होगी और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है वो डेवलप है वो उनके द्वारा की गई है। खैर अभी तो काफी महंगी है बट जर्मनी के द्वारा ऐसा स्टेप वो भी उठा लिया गया, तो ये हमें फैक्ट है वो ध्यान में रखना है कि जर्मनी है उसने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण है वो किया है। और हाइड्रोजन ट्रेन में होगा क्या, हाइड्रोजन है उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जाएगा और ऑक्सीजन को, और उसकी हेल्प से जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो पानी निकलेगा, तो ये कुछ फैक्ट भी हमें देखने में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो टाइफून को लेकर है। देखो अभी रिसेंटली टाइफून आया उसके नाम को लेके भी यूपीएससी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो टाइफून या जो साइक्लोन आते हैं इनके कौन कौन से एरिया में क्या क्या नाम है वो होते हैं, तो एक बार हम उनको नजर है वो मार लेते हैं। देखो ये बेसिकली वर्ल्ड मैप है टेढ़ा मेढ़ा कोई बात नहीं, ये यहाँ पे जो जापान वाला एरिया बोल सकते हो फिर चाइना वाला एरिया है येलो सी या साउथ चाइना सी वाला जो एरिया हो गया पूरा, यहाँ पे फिलीपींस वगैरह जो कंट्रीज आ गए छोटे छोटे आइलैंड है इन वाले एरिया में जो साइक्लोन आता है इसको बेसिकली टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो टाइफून हमें ध्यान में रखना है कौन से एरिया में आता है यहाँ पे। और बात करें ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा हो गया यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं इनको वेली वेली के नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखने की इस वाले एरिया में साइक्लोन आते हैं ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोर्ट में उनको वेली वेली के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इंडियन ओशन के अंदर जो साइक्लोन आते हैं उनको चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ये हमें बेसिकली पता है। खैर वो अलग बात है कि इनके नाम वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और बात करें हम टोर्नेडो की तो टोर्नेडो आता है बेसिकली अफ्रीका के वेस्टर्न वाले हिस्से में, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। और हरिकेन है वो आता है यहाँ पे कैरिबियन में, कैरिबियन सी जो कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज है यहाँ पे, तो आपको पता है कैरिबियन आइलैंड कहाँ पे है जो वेस्ट इंडीज जैसी कंट्रीज है कैरिबियन आइलैंड में क्यूबा हुआ यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में जो साइक्लोन आता है वो आता है हरिकेन। तो कुछ फैक्ट्स वगैरह हमें यहाँ पे ध्यान में रखने कि कौन कौन से साइक्लोन या टाइफून का नाम कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। तो अभी रिसेंटली एक टाइफून आया था, मतलब कहाँ पे आया, मतलब इस वाले हिस्से में आया पैसिफिक वाला इस वाले एरिया में, और उसका इफेक्ट है वो देखने को मिला यहाँ पे फिलीपींस कंट्री फैली हुई छोटे छोटे आइलैंड में उसके ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिला था। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि फिलीपींस में बेसिकली भी टाइफून है जिसका नाम क्या है वो देख लेना, नाम है इसका मांगकुट टाइफून। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मांगकुट टाइफून है वो भी रिसेंटली फिलीपींस में आया था, बस ये इफेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्मार्ट फेंसेस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। देखो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर काफी डिस्प्यूट है और काफी विवादित रहती है, इसीलिए जो सिक्योरिटी है बॉर्डर एरिया पे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनल जो स्मार्ट फेंस है स्मार्ट दीवार है बाड़ है वो लगाई जा रही है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से एक दीवार बनाई जाएगी और उसकी हेल्प से देखा जाएगा कि कौन सी स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है घुसपैठ वगैरह नहीं हो रही है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर को लेके काफी इश्यूज बनते रहते हैं कि हाँ यार इस बार अभी घुसपैठ हो रही है ये हो रही है तो गोलीबारी होती है, उन सब के लिए बेसिकली स्मार्ट फेंसेस लगाई जा रही है ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। तो यह ध्यान रखना है स्मार्ट फेंसेस पायलट प्रोजेक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे
यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया और बांग्लादेश को लेके है, इंडिया और चाइना को लेके है, इंडिया और नेपाल को लेके है, इंडिया और भूटान को लेके है। तो नहीं, हमें ध्यान में रखना है कि स्मार्ट फेंसिस पायलट प्रोजेक्ट है वो इंडिया ने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेके, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है पोलोरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोलोरा जगह में बेसिकली प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जा रहा है। होगा क्या, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लेजर्स वगैरह की हेल्प से, जो नाइट विजन की कैमरे हैं उनकी हेल्प से बॉर्डर की निगरानी है वो रखी जाएगी और काफी बेनिफिट से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप को लेके। देखो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसके द्वारा भी रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कुछ रिपोर्ट वगैरह जारी है वो की गई है, तो उनके बारे में यहाँ पे आया है, तो उस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो उस रिपोर्ट में बेसिकली ये कहा गया है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट आई थी आज से 3 महीने पहले लगभग, आपको बताओ तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पहले उसके बारे में हम देखते हैं फिर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये बेसिकली G7 कंट्रीज के द्वारा एक बनाया गया था 1989 में, ग्रुप है बनाया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर डील है वो करता है। पहले तो यह मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर करता था और 2001 में इसमें टेरर फंडिंग भी ऐड है वो कर दी गई थी कि कौन सी कंट्री हो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे तरीके से काम कर रही है, टेरर फंडिंग के लिए कैसे। तो इसने क्या किया था, आज से 3 महीने पहले लगभग पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। ग्रे लिस्ट है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ही तैयार की जाती है। इस लिस्ट में उसने पाकिस्तान का नाम डाला, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग है वो कर रहा था और उसको ले जैसे ही उसको फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला था। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसने बेसिकली रिव्यू किया था वापस अभी रिसेंटली, और उस रिव्यू में पाया गया कि पाकिस्तान अभी तक नहीं सुधरा है, अभी तक वो वैसा का वैसा ही है और फिर भी वो टेरर फंडिंग कंटिन्यू कर रहा है। तो उस रिपोर्ट के द्वारा भी डाटा है कि मतलब पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है, तो बस इसीलिए एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी न्यूज में आया है। तो हम बात करें एशिया पैसिफिक ग्रुप की, तो देखो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो एक तरह की रीजनल बॉडी है। जिस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है उसी तरह से सेम वैसा ही ग्रुप है, बस ये एशिया और पैसिफिक कंट्रीज के लिए है। मतलब जो काम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है सेम वही काम एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा किया जाता है। एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो बेसिकली एशिया और पैसिफिक वाले एरिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए काम है वो करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बेसिकली है क्या, एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1997 में बैंकॉक कहाँ पे थाईलैंड में इसको बनाया गया था। काम क्या है इसका, टेरर फंडिंग और फाइनेंशियल जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसके लिए बेसिकली ये डील करता है। और अभी रिसेंटली इसके द्वारा जो रिव्यू किया गया उसमें पता चला कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हम तो बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले हैं। तो इसके द्वारा एक नेक्स्ट रिव्यू वापस दिसंबर में किया जाएगा, अगर दिसंबर में भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर उसको डेडलाइन वगैरह दी जाएंगी और फिर उस पर कुछ ना कुछ सेक्शन वगैरह लिए जाएंगे। तो ये कुछ कंटेक्स्ट था, जो न्यूज थी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो इसी के साथ जो हमारी डिस्कशन थी वो यहाँ पे खत्म होती है। तो एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो हमने आज डिस्कस किया था कि बैंकों को मर्ज को लेके कि अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 3 जो स्टेट ओन्ड बैंक है, देना बैंक, विजय बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको मर्ज किया जाए। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पेक्ट हमने डिस्कस किए। इसके साथ ही हमने यहाँ पे देखा कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लेके आया है जो कि इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार ऐसा प्लान है, इसके पॉइंट्स हमने जाने। इसी के साथ ही हमने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जाना जो कि जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसी के साथ हमने मांगखू टाइफोन के बारे में जाना जो कि फिलीपींस में आया था अभी, और इसी के साथ हमने स्मार्ट फेंसिस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जाना जिसका मेन मोटो है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के फॉलोरा में बॉर्डर को लेकर जो भी विवाद है उससे निपटा जा सके या फिर इलीगल घुसपैठ को रोका जा सके। इसके साथ ही हमने एशिया पैसिफिक ग्रुप के बारे में जाना जो कि एक तरीके का एक रीजनल ग्रुप या बोल सकते हो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ही बनाया गया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।